Hello friends, welcome to Abhipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. आज का हमारा टॉपिक है इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. इस वॉर को हम बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं. 1971 में वर्ल्ड में एक नया कंट्री बना जिसका नाम था बांग्लादेश. ये कंट्री क्यों बना था, क्या कॉजेस थे इसके अलग होने के, ये हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली उस टाइम पर एक कंट्री बना जिसका नाम था पाकिस्तान. ये पाकिस्तान टू पार्ट्स में था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. आप मैप में देख सकते हैं. प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होती है. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका लार्जर बैकग्राउंड क्या था, सेकंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज क्या थे बांग्लादेश के बनने के. लार्जर बैकग्राउंड, डिस्क्रिमिनेशन. वेस्ट पाकिस्तान के बंदे ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. उस टाइम पर जो लीडरशिप आती थी पाकिस्तान में वो वेस्ट पाकिस्तान से आती थी. हायर पोस्ट पर वेस्ट पाकिस्तान के बंदे, इनको जॉब मिलती थी. तो यहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान के बंदे थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे थे. नेक्स्ट थिंग, ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल 1948 से लेकर 1960 तक जो भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रहा है उसमें 17% शेयर ईस्ट पाकिस्तान का था. बट जो पैसा आया एक्सपोर्ट के बाद इसमें 25% पैसा मनी ईस्ट पाकिस्तान को मिली. देन शेयर में शेयर है 70% टोटल एक्सपोर्ट में, एंड जो मनी आ रही है एक्सपोर्ट से उसमें केवल 25% ईस्ट पाकिस्तान को मिल रहा है. तो यहां पर क्लियर इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, उसके बंदों के साथ. नेक्स्ट थिंग, उर्दू को इंपोज किया गया. मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में ढाका में जाते हैं. ढाका में जाने के बाद उन्होंने बोला उर्दू हमारी लैंग्वेज है, बट ईस्ट पाकिस्तान के बंदे प्यार करते हैं अपनी लैंग्वेज जिसका नाम है बंगाली. सिस्टमेटिकली उर्दू को इंपोज किया गया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, बट ईस्ट पाकिस्तान के बंदे बंगाली को प्यार करते हैं. वो बंगाली लैंग्वेज को चाहते हैं कि ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए. ओके, ये प्रोटेस्ट यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं. और उसके बाद 21 फरवरी 1952 बंगाली लैंग्वेज के फेवर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं या ईस्ट पाकिस्तान. जब ये प्रोटेस्ट हुआ इस टाइम पर 7 स्टूडेंट्स यहां पर मार दिए जाते हैं. इसके बाद ये मूवमेंट बंगाली लैंग्वेज के फेवर में जो मूवमेंट था ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा. अब आपको इसमें याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 21 फरवरी इसको यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर एज ए मदर लैंग्वेज. ठीक है, एज ए आपका इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एवरी ईयर. चीजें चल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. ओके, वेस्ट पाकिस्तान के बंदे ईस्ट पाकिस्तान को इंफीरियर भी मानते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के बंदे अब ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे थे. बात करते हैं इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज क्या था, 1970 में ईस्ट पाकिस्तान इसको हिट करता है भोला साइक्लोन. आपको याद रखना साइक्लोन का नाम है इसका भोला साइक्लोन. इस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान में 5 लाख बंदे मारे जाते हैं. वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप रिलीफ वर्क देती है, रिलीफ वर्क करती है, बट बहुत स्लो था रिलीफ वर्क. बंदे हैप्पी नहीं थे. ईस्ट पाकिस्तान के बंदों को लगने लगा था कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा होने लगा है अब. ओके, देन इस टाइम के अगर आप देखेंगे 70s के आसपास जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या होता है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट इस टाइम पर वो है एक मिलिट्री जनरल, उसका नाम था याहिया खान. याहिया खान पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस करता है कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर. देन इलेक्शंस होते हैं. अब आपको याद रखना है नेशनल असेंबली ये डिसाइड करेगी
कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा पाकिस्तान का, इस नेशनल असेंबली में 300 सीट्स हैं, जिसमें से वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स को आपको देखना है, तो वेस्ट पाकिस्तान में सीट्स हैं 138 एंड ईस्ट पाकिस्तान में है 162। वेस्ट पाकिस्तान, इधर जो पार्टी है, जो फेमस पार्टी है, प्रोमिनेंट पार्टी, ये है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ईस्ट पाकिस्तान में जो फेमस पार्टी है ये है अवामी लीग, अवामी लीग, और इसके लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के लीडर हैं, ये फादर हैं, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान इज द फादर ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। पीपीपी के लीडर थे जुल्फिकार, जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके फ्रेंड, देन इलेक्शन होता है, याहिया खान जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे पाकिस्तान का, उसका मानना था कि पीपीपी को मेजोरिटी मिलेगी और ये सपोर्ट भी पीपीपी को कर रहा है, बट जब रिजल्ट आया तो वो सरप्राइज था पीपीपी के लिए भी और अवामी लीग के लिए भी। अवामी लीग को 162 जो सीट्स हैं ईस्ट पाकिस्तान में, इसमें से 160 सीट्स अवामी लीग को मिलती हैं। सेकेंड, 138 में से 81 सीट्स पीपीपी को मिलती हैं। क्लियर था, 300 टोटल सीट्स हैं, आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 151 सीट्स की जरूरत है, और इधर अवामी लीग को 160 सीट्स मिल चुकी थी। अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, शेख मुजीबुर रहमान। ये प्रॉब्लम आ चुकी थी याहिया खान के सामने और ये प्रॉब्लम आ चुकी थी जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने। जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका कहना है कि बिकॉज अवामी लीग को जो सीट्स मिली हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में मिली हैं, दैट्स वाई वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बट ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आपको सीट जो है दोनों तरफ चाहिए, बिकॉज टोटल सीट 300 थी, उसमें से अवामी लीग को मेजोरिटी मिल चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, बट याहिया खान इसको डिले कर रहा था, वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होने दे रहा था, बिकॉज उसको पता था कि अगर शेख मुजीबुर रहमान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो वो बांग्लादेश के लिए, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं आज की डेट में, वो ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी की डिमांड करेंगे, दैट्स वाई वो डिले करता रहा, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में सीडीएम लॉन्च कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हड़तालें होती हैं, रेलवे को ठप कर दिया गया, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, शॉप्स के शटर गिर जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के बंदे शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अब 25th ऑफ मार्च 1971 याहिया खान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, और आपको इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट का ऑब्जेक्टिव था ढाका को कैप्चर करना। पाकिस्तानी फोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान से जाती हैं, ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक होता है, ढाका को कैप्चर करना था, इवन आर्टिलरी को यूज किया गया। ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली सोल्जर थे वो यहां पर रिवोल्ट कर देते हैं और वो शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करते हैं। अब एक लड़ाई चल रही थी, जिनोसाइड हो रहा था, और इस जिनोसाइड में मेन टारगेट किया गया था बांग्लादेशी हिंदूज को। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 3 लाख से लेकर 30 लाख इतने बंदों को यहां पर मारा गया। देन अब बंदों का माइग्रेशन स्टार्ट होता है और ये इंडिया आने लगे, रेफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया के सामने थी। अगस्त तक आते आते, अगस्त 1971, इंडिया में 1 करोड़ रेफ्यूजी आ चुके थे। इनके लिए हमने कैंप्स लगाए, ये कैंप हमारे मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां पर हमने इनको कैंप्स लगाए, इनके रहने के लिए कैंप्स हम लगाते हैं। हमारे सामने वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट जब ये बंदे इंडिया आ चुके थे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इनको फीड करना था, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना था, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड कम्युनिटी को बताया, देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बट अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है वो चुप बैठा हुआ था, उसने आंखें बंद कर ली थी, और पाकिस्तान जो जिनोसाइड कर रहा था अमेरिका उसको देखना नहीं चाह रहा था। व्हाई? बिकॉज
पाकिस्तान इस टाइम पर अमेरिका का एलाई था, ये कोल्ड वॉर का टाइम था और पाकिस्तान उसका एलाई है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा था, रेफ्यूजी इंडिया में आ चुके थे। अब हमारा क्या स्टेप होगा, हम क्या करने वाले थे? ओके फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें समझना है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वर्ल्ड कम्युनिटी को पहले बताती हैं, देखिए क्या हो रहा है। वर्ल्ड कम्युनिटी अभी सुनने को रेडी नहीं थी। देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सेम मानेकशॉ से एक मीटिंग की, जो हमारे इस टाइम पर आर्मी चीफ थे। उनसे पूछा गया इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम वॉर में जा सकते हैं? सेम मानेकशॉ ने मना कर दिया, हम वॉर में अभी नहीं जा सकते बिकॉज हम रेडी नहीं है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक था इंदिरा गांधी के लिए। उन्होंने पूछा वाई हम रेडी क्यों नहीं है। सेम मानेकशॉ का आंसर था कि अभी मानसून आने वाला है, मानसून के टाइम पर जो बांग्लादेश है वहां पर फ्लड आएंगी, हमारे टैंक्स फंस सकते हैं। आपको याद है असल उत्तर, बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 क्या हुआ था। सेकंड, सेम मानेकशॉ ने बोला कि हमारे इक्विपमेंट्स भी रेडी नहीं है। उन्होंने बोला ओनली 3 टैंक्स लड़ने के लिए रेडी है, ऑपरेशन ओनली 3 टैंक्स। वॉर को अभी रोक दिया गया बट हम अपनी तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, आपको इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन जैकपॉट। ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च होता है और इस ऑपरेशन जैकपॉट के अंडर में हमने मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश के सोल्जर्स, ईस्ट पाकिस्तानी सोल्जर जो थे, इसको हम बांग्लादेश बोलते हैं आज की डेट में, और बांग्लादेश के जो बंदे थे उनको लेकर हमने मुक्ति वाहिनी बनाई। इस मुक्ति वाहिनी में अबाउट 1.5 लाख सोल्जर्स थे, इनको हमने ट्रेनिंग दी, इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। और मुक्ति वाहिनी का मेन ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में अटैक करना। गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, हमारी आर्मी तैयारी कर रही थी, साथ में मुक्ति वाहिनी अपना रोल प्ले कर रही थी। चीजें आगे चल रही हैं, चाइना और अमेरिका क्लियर था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले थे। इंदिरा गांधी इस टाइम पर एक इनिशिएटिव लेती हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया और यूएसएसआर के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को हम बोलते हैं फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन होती है अगस्त में, अगस्त 1971। इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया था कि अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज यूएसएसआर और इंडिया के ऊपर थर्ड पार्टी अटैक करेगी तो दोनों पार्टीज मिलकर बैठकर ये देखेंगी क्या सॉल्यूशन हो सकता है और थ्रेट को हम कैसे साइड में कर सकते हैं। तो ये ट्रीटी साइन होती है, क्लियर था कि यूएसएसआर हमें सपोर्ट करेगा अगर वॉर होगी, अगर चाइना वॉर में आएगा। चीजें चल रही थी, मुक्ति वाहिनी अपना रोल प्ले कर रही थी, रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे, जिनोसाइड भी चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्बेसडर्स को डिफरेंट कंट्रीज में भेज रही थी और बता रही थी क्या माहौल चल रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में। इवन इंदिरा गांधी ने टूर किए, वो यूरोपियन कंट्री जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन को बताती हैं, बट अमेरिका अभी भी सुनने को रेडी नहीं है। पाकिस्तान भी वेट कर रहा था कि इंडिया अटैक करेगा बट इंडिया ने अटैक नहीं किया। इंडिया ने पाकिस्तान को इतना इरिटेट किया कि पाकिस्तान ने अब एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, ये किया था 3rd of December 1971। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। ऑपरेशन चंगेज खान, इस ऑपरेशन के अंडर में हमारे 11 एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक होते हैं साइमल्टेनियसली। अंबाला जोधपुर आगरा, इस टाइप से 11 एयरफील्ड्स पर अटैक हुए 3rd of December 1971 को। इसके बाद इंडिया ने वॉर डिक्लेयर की। अब हमारा रिप्लाई आया, हमारा रिएक्शन आया, और उसके बाद 16th of December 1971 को वॉर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स, जिनका कमांडर था ईस्ट पाकिस्तान में ए के नियाजी, ये हमारे एक कमांडर जगजीत सिंह अरोरा जी के सामने सरेंडर करता है। ओके, तो ए के नियाजी जगजीत सिंह अरोरा जी के सामने ये सरेंडर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉजेस थे, इस टाइप से वॉर चली थी। बट अभी हमने जो डिस्कस किया है केवल चंगेज खान तक। ओके, नेक्स्ट हम आगे वॉर में क्या हुआ था, हमारी नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, इंडियन फोर्सेज ने आगे कैसे अटैक किए थे, ठीक है, अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया, चाइना का क्या रोल था, ये हम डिस्कस करेंगे। बट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स।